स्वागत है आपकी मैं चैनल पर दोबारा अगेन सेम लोकेशन और एक नई वीडियो छोटी सी वीडियो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर बताने के लिए आपको कि कई लोगों का फीडबैक ये आ रहा था कि क्या कहते हैं इस क्रेटा गाड़ी के अंदर जो स्टॉक टायर्स आते हैं जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपको बता देता हूँ उसका कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है और खासकर जो अपोलो कंपनी के टायर्स हैं उनके बारे में काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं जल्दी ख़राब हो जाते हैं आते ही आते तो मैं आज उसके ऊपर वीडियो बना सोची मैं तो बना देता हूँ। बाकी इसमें किसी को मेरा ये कहना नहीं है कि भाई नहीं वो गलत बोल रहे अपने अपना सबका एक्सपीरियंस अपना तरीका चलाने का है किस तरह से लोग चलाते हैं किस तरह से टायर की परफॉर्मेंस होती है। बाकी मैं आपको बता दूँ इस गाड़ी के लगभग 80 किलोमीटर की रनिंग है डेली फ्रॉम ग्रेटर नोएडा टू दिल्ली दिल्ली टू ग्रेटर नोएडा। उसके बाद ट्रिप मारते रहते हैं शिमला मनाली वगैरह की मारते रहते हैं साल में एक आध बार मार देते हैं राजस्थान कहीं चले जाते हैं वो अलग एक्सपीरियंस है। तो मैं बात करता हूँ इस गाड़ी की गाड़ी अब आइए बाहर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तक कंपनी के टायर स्टॉक है कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि पंचर हुए हैं अब अच्छा गाड़ी छूट जाती है तो 50,000 किलोमीटर गाड़ी चलना काफ़ी मेरे हिसाब से तो काफ़ी बड़ी बात नहीं कहूँगा मैं बट हाँ ठीक है 2 साल में ठीक ठाक रहेंगे गाड़ी की। और टायर की कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ आपके सामने से कोई टायर पूरा पहन के रखा हुआ है आप आइए और ये कंडीशन देखिए टायर की पूरा आप ऊपर से नीचे तक दे सकते हैं और यहाँ पर डेप्थ भी आप दे सकते हो डेप्थ भी लगभग गाड़ी की अभी तक फिलहाल टायर की ठीक ठाक ही है और अभी तक सही चल रहा है आप देखते हो। यहाँ पे भी कोई इसके साइड में भी कोई अभी तक इसमें कोई मतलब कि घिसावट कह लो या फिर घिसना अभी तक नहीं है टायर के अंदर तो वैसे मैं आपको इधर से भी दिखा देता हूँ टायर का ये आप दे सकते हो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल इस गाड़ी के अंदर टायर के अंदर। और अभी जो मेरी बेसिकली क्या है कि हम जो भी टायर का अलाइनमेंट बैलेंसिंग है सब हम करवाते हैं बाहर से और ये हमारा परमानेंट है तो उससे क्या होता है कि एक बार बंदे को आपके टायर की कंडीशन पता चलती रहती है कि अब क्या कंडीशन है उसी से बंदा आपका देख रहा होता है। उनसे मेरी बात हुई वो भी ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे टायर लगभग 20,000 किलोमीटर और चल जाएंगे आराम से बिना किसी दिक्कत के तो लगभग 70-80,000 मुझे लगता है गाड़ी के टायर चल जाएंगे ये कोई दिक्कत नहीं है। तो यार ये दिक्कत ये चीज़ है अब आपको दिखाता हूँ अपोलो के ही किसके वो आप देख लो आकर के ये आप देख लो अपोलो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है यहाँ देख लो आप अपोलो लिखा आ रहा है और LNAC 4G इसका जो भी होगा वो होगा ये स्पेसिफिकेशन है 215/60R17 ये है स्टॉक टायर्स हैं जो कंपनी के साथ आते हैं। तो फिलहाल भाई मैं बताऊँ तो मेरा तो एक्सपीरियंस ठीक है भाई फिलहाल टायरों का बाकी जो सबका अपना तरीका है कहने का भाई और मैं आपको सही बताऊँ मैं इस मेरी डेली की रनिंग है तो मैं टायर को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता मैं हर 5,000 किलोमीटर के अंदर गाड़ी की अलाइनमेंट कराता हूँ देन 10,000 पर अलाइनमेंट वैसे दोनों कराता हूँ ताकि गाड़ी की लाइफ जो है बनी रहे। और मेरा भाई जो भी वीडियो देख रहा है मैं भी उनको ये सजेस्ट करूँगा कि भाई आपकी यदि रनिंग ज़्यादा है तो 5,000 किलोमीटर पर आप अलाइनमेंट कराइए और 10,000 पर अलाइनमेंट वैसे दोनों करवाइए आपकी गाड़ी की टायर की लाइफ बनी रहे इस तरह से। हो सकता है कई लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा भी हो मैं ये नहीं कह रहा आपके पास लाने के लिए।